तो अभी सिराज पैसा दिया शोरमा लेने के लिए, ये शोरमा लेने आए हुए हैं। देखो इधर का होटल भी खुल गया इधर। तो ये सऊदी के इस किचन में मेरा ये पहला खाना है, देखो ऑमलेट। एक दो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल सर्विस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि देख रहे हो इस घर में मेरा आज दूसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ फिर से वही ड्यूटी, वही 2 घंटा का ड्यूटी है, 10:30 बजे छोड़ना और 1:30 बजे लाना, मतलब 2-2.5 घंटे का ड्यूटी है अभी मुझे, बस इतना ही जा रहा हूँ मैं अभी मैडम को छोड़ने। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों अभी 1:15 हो रहा है और मैं आ गया हूँ ये हॉस्पिटल के बाहर मैडम को लेने के लिए। तो अभी कफिल का औरत का भी फोन आ गया कि 3:30 बजे आना है इधर मेरे घर पे, वहाँ से जाएगी वो मदरसा में। तो अब धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे अब काम बढ़ता जाएगा। पहले केला वाला करता था तो वो दुकान में करता था और पार्ट टाइम में इसको बस छोड़ता था, तो वो बोलता था बस एक ही काम है। पर ऐसा नहीं होता है, ड्राइवर को सैलरी दे रहा तो पागल नहीं है, और कितना बड़ा कंजूस है मेरा कफिल वो तो आप लोग जानते ही हो। तो सैलरी दे रहा तो काम तो लेगा ही, और बिना काम को मुझे बुलाता कि वो पहले ही बोल देता कि मेरे पास काम नहीं है, मत आना, ये है वो है। तो काम रहेगा तभी मुझे बुलाया है और मुझे पगार देगा, मुझे 500 रुपया दिया इसीलिए, नहीं तो पहले ही बोलता कि तू अपना कहीं और देख ले, तनाजुल करा ले। तो देखो अब धीमे धीमे काम बढ़ रहा है, अब धीमे धीमे मैं भी सेट हो रहा हूँ। आज मैं दोपहर में दही रोटी खा लूँगा, शाम को देखूँगा अपना तेल वगैरह सब सामान वगैरह खरीदने जाऊँगा। तो देखते हैं कफिल की औरत का कब छुट्टी होगा वहाँ से, फिर वहाँ से छुट्टी होते इसी दे अब जाऊँगा मार्केट में सामान वगैरह खरीदने, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो 1:40 हो रहा है और मैंने मैडम को छोड़ दिया उसके घर पे, और अभी आया हूँ मैं दही और रोटी लेने। देखता हूँ दही किधर है। ये है इधर सऊदी का सुपरमार्केट जिसको बकाला बोला जाता है। ये रहा दही अलमराई कंपनी का। और इधर सामने है रोटी, ये पन्नी में मिलता है रोटी। तो ये ले लिया मैंने दही और रोटी, और ये रहा सुपरमार्केट। उधर सामने है मेरा रूम जो गेट खुला है, ये जो गेट खुला है ये मेरा रूम है, और ये गाड़ी खड़ा मेरा, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करता हूँ, और उधर रूम है सामने। तो ये रहा अपना दही और ये रोटी और ये गिलास में पानी। आज जब से सऊदी में आया हूँ, आज हो गया देखो 18 तारीख और मैं आया था 13 तारीख को, करीब 5 दिन हो गया। 5 दिन बाद मैं अपने रूम पे और अपने पैसे से खाना खा रहा हूँ 5 दिन बाद। 5 दिन मैं इधर ही उधर ही से खा रहा था, कभी मामा के रूम पे कभी इरफान के रूम पे। अब 5 दिन बाद अपना ये खाना खा रहा हूँ दही रोटी, और रात को मैं अपना पूरा सामान खरीदूँगा जो भी राशन पानी हो, फिर अपना बनाना शुरू करूँगा खाना। चलो मैं खाना खा लेता हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, चलो खाने के बाद मिलता हूँ। हाँ तो दोस्तों 3:17 हो रहा है और 3:30 बजे बुलाई है अपना वो कफिल की औरत, तो 10 मिनट यहाँ से जाने में लगेगा, तब मैं निकल रहा हूँ इधर से, गाड़ी उधर है। और ये रूम मेरे को जम नहीं रहा है, ये एक बंगाली के साथ रह रहा हूँ, वो बहुत ही मतलब बहुत ही गिर कर रहा है हर चीज़ के लिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी आके बताता हूँ फुर्सत में। देख रहे हो ये लगता है टायर पंचर है, कल ही मैंने हवा भरा और आज निकल गया। केला वाला क्या बोल रहा था, कुछ नहीं है, कोई टायर वगैरह पंचर नहीं है, बस थोड़ा हवा निकले भर लेना हो जाएगा।
इधर का देख लो, इधर का तो अभी सही लग रहा है, इधर का हवा निकला नहीं अभी दोनों का, और आगे वाले का हवा निकल गया अभी, देखा आप लोगों ने, क्योंकि मैंने पूरा फुल किया था अच्छे से और फिर देखो हाफ हो गया। तो इसको चेक कराना पड़ेगा पंचर। छोड़ तो दिया लाकर इस मदरसे में, यहीं पे कुरान का तालीम लेती है हमारी कफील की औरत। तो अभी 3:30 बज रहा है, वो बोली छोड़ दिया मैंने, वो बोली जाओ जो मेरा ख़त्म होगा फ़ोन करूँगी तो आके ले जाना, अब देखो कब ख़त्म होता है। हाँ तो दोस्तों 5:11 हो रहा है और अभी कफील की औरत का फ़ोन आ गया कि आओ ख़त्म हो गया, तो मैं जा रहा हूँ उसको उठा कर उसके घर पर पहुँचा दूँगा, फिर उसके बाद कोई ड्यूटी आता है या नहीं आप लोगों को बताऊँगा वीडियो में आगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखो सिर्फ 3 मिनट में मैं इधर आ गया ये मदरसे में, तो सोचो आप लोग कितना स्पीड में मैं चलाया रखूँगा गाड़ी। तो ये इधर पंचर बनवाने के लिए आया हूँ मैं, देखो गाड़ी को पूरा उठा दिए, इधर चेक करेंगे अभी पंचर है कि नहीं। एक दो, दो आए हैं, दो है इधर पंचर, दो जगह पंचर है और वो बोल रहे थे कि फिर पंचर नहीं है बस हवा भर लेना, बाकी और चेक करवा लूँ क्या इधर भी। तो हो गया दोनों पंचर बन गया, अब हवा डाल लेता हूँ। तो हो गया, 10 रियाल दिया मैं, 15 मांग रहा था। और ये है वो पेट्रोल पंप जहाँ पे मैंने बनवाया, मैं कफील को वो वीडियो भेजूँगा और बोलूँगा पंचर बनवाया हूँ मैं, तो देखो पैसा देता है या नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेराज और रियाज के दुकान पे, तो ये जो लाया था थोड़ा थोड़ा पैक कर लिया, दूंगा उन लोगों को। और वहीं पे है वो खुदरा का मार्केट जहाँ पे मिर्चा वगैरह तेल वगैरह लेना है, आज से खाना बनाना स्टार्ट करूँगा। तो अब ये नया सैलून यहाँ पे खुल गया है सेराज का, ये रहा सेराज, पहले उधर था दुकान, अब वहाँ पे पिज्जा और आइसक्रीम का दुकान खुल गया, ये हमारे भाई साहब का ये खुदरा का दुकान देखो, तो यहाँ पे खुदरा का दुकान, वो रहा सुपरमार्केट। देखो वो जो मार्केट बना था पूरा फुल हो गया, देखो पूरा दुकानें खुल गए हैं। तो अभी सिराज पैसा दिया शोरमा लेने के लिए, ये शोरमा लेने आए होंगे। देखो इधर का होटल भी खुल गया इधर, यहाँ पे पहले सब्जी का दुकान था, अब इधर ये मताम खुल गया, ये 5 रियाल का शोरमा मिलने लगा 100 रुपए का, पहले 3 रियाल का मिलता था। देख लो ये वाला कोक 2 रियाल का है, मतलब 42 रुपए, इससे अच्छा तो इंडिया ही है, इंडिया में मिल जाता था 20-25 रुपए का। देखो ये 2.5 रियाल का, ये भी 2.5 रियाल का।
तो ये सब अपना ही एरिया है, इधर मैं घूमता रहता था और यहीं पे वीडियो बनाता रहता था। तो अभी तो जो भी सुपरमार्केट वाला या फिर ये सब्जी वाले जो भी देख रहे हैं, पहचान ले रहे हैं और कैसा है, सब पूछ रहे हैं हालचाल। यही देखो, यही एरिया में अपना टिकटॉक का सारा वीडियो इसी एरिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप लोग जाकर देखोगे मेरा इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों देखो, ये सब इधर का नमक है, और ये देखो ये 5 रियल का है, 100 रुपया, ये 3 रियल का, और ये 2 रियल का, तो 3 रियल, 5 रियल। तो ये लिया मैंने ये 2 रियल वाला, और ये 15 रियल का तेल, रिफाइंड तेल, इसी में खाना बनाते हैं हम लोग। तो ये नमक, तेल और 4 अंडा और 1 लाइटर, ये हो गए 21 रियल का, 420 रुपये का। देखो 420 रुपये खर्च करके अंडा रोटी खाऊंगा आज मैं। और ये 1 रियल का मिर्ची लिया मैं, और ये 5 रियल का प्याज, 5 और 1 6 रियल हो गया इंडिया का 120 रुपये, और वो 420-40 रुपये, करीब 550 का ख़रीदारी हो गया। और अंडा रोटी खाऊंगा मैं 550 खर्च करके। तो चलो मैं घर पे चलता हूँ, खाना बनाना है, 9 बज गया। तो ये ख़रीदारी करके आ गया मैं, वो रोटी बचा है दोपहर का, तो वो रोटी खा लूँगा। बाकी देखो इधर क्या मुश्किल है, देखो आधा से ज़्यादा पूरा ये छेक रखा है। ये देखो इधर कपड़ा नहीं लटकाने का मुझे, बस ये 2 कील मिला है, इसी के अंदर मुझे कपड़ा लटकाना है, बाकी अपने बैग में रखो। और ये एसी बार बार बंद कर देता है, जब वो रहता है तभी एसी चलता है, जब वो नहीं रहता है तो बोलता है बंद कर दो भाई। तो ये सऊदी के इस किचन में मेरा ये पहला खाना है, देखो ऑमलेट, पूरा टमाटर मिर्चा प्याज डाल के बना रहा हूँ। तो इस रूम का पहला भोग, देखो ये रहा हमारा नए रूम का पहला डिनर। तो दोस्तों देख रहे हो अपना डिनर रेडी है, ऑमलेट और रोटी, और ये 2 अंडा दोपहर के लिए रख लिया मैं। तो फ्रिज नहीं है, इस डर से मैं खाना नहीं बना रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि पुराने ज़माने की औरतें कैसे खाना बनाती होंगी, जब फ्रिज का ज़माना था ही नहीं। यहाँ मैं डर रहा हूँ कि चिकन बनाऊँगा फ्रिज है नहीं, फिर ख़राब हो जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद जाएगा, तो उसी डर से अंडा बना रहा हूँ। अब देखो फ्रिज में लूँगा 10-15 दिन में। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करवा के।